हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध साइंस कोचिंग पटना। थोड़ा सा परेशान होंगे आप लोग भी कि मैथ का क्या हाल होगा। बहुत अच्छे हाल होने वाला है, थोड़ा स्लो चल रहे हैं और कोई बात नहीं। देखिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.8 का कुछ क्वेश्चन पिछले क्लास किए थे। थोड़ा सा देखो, 6 ही क्वेश्चन था, शायद 4 क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज 5वां क्वेश्चन करेंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे, तो एक क्वेश्चन और बचेगा, वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो। देखो, हम स्लो इसलिए कर रहे हैं, कम छोटे छोटे वीडियो इसलिए डाला जा रहा है कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, कम टाइम में दो बार देख लो समझ में आ जाए। क्योंकि देखो, हम देख रहे हो मेथड चेंज करके बता रहे हैं, मेथड इसलिए चेंज करके बता रहे हैं कि आपको एग्जाम में 5 नंबर में देगा तो आपको इसी मेथड पर बनाना होगा। डायरेक्ट बनाओगे तो आंसर आपकी गलती आ जाएगी, और आंसर कहने का तो आ जाएगी लेकिन गलती माना जाएगा आपको। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग, और अभी जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए। तो देखो, -1 दे दे, 1 दे दे, कुछ दे दे, आपकी मर्जी। यहाँ पर आप समझ दो फार्मूला आपको क्या है, जो भी देखो मेनली रूप से फार्मूला क्या है जो समझ लो। फार्मूला अगर आपके पास एफ एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना है, ध्यान देना है। मान लो लिमिट ए से लेके बी तक है, कुछ भी है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू कितना, 0 एच इंटू कितना, फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ कितना, ए प्लस एच, फंक्शन ऑफ कितना, ए प्लस एच, इस तरह से सो ऑन कितना, फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, यही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इसी फार्मूला को लेकर के फिर से हम लोग काम करेंगे। हाँ, और भी क्या पढ़ाते हैं, और पढ़ते हैं एन एच इक्वल टू बी माइनस वन, और क्या पढ़ते हैं, एच टेंस टू अगर जीरो होगा, एच टेंस टू जीरो होगा तो फिर क्या होगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा। ये चीज़ ध्यान देना, एच टेंस टू जीरो तो एन टेंस टू इन्फिनिटी होता है। ये सब बार बार हम वीडियो में चर्चा करते रहते हैं। तो देखो, इसको अब लिखोगे तो क्या लिखोगे, डायरेक्ट हम लिखना सिखाएं आपको क्या, नहीं डायरेक्ट नहीं सीखना है, हम लोग थोड़ा सा काम कर लेना है। क्या काम कर लेना है, क्या क्या दिया है उसको नोट कर लेना है। ए की वैल्यू कितना है, -1, बी की वैल्यू कितना है दोस्त, 1 है ना, तो एन एच की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा, 2। एन एच की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो ये देखो, ये सब छोटी छोटी बातें लिख लोगे ना तो फिर एक बार दिमाग में रहेगा कि क्या लाए थे सर और क्या लिख रहे हैं। ठीक है, एन एच की वैल्यू कितना हो गया, 2। अब आगे बढ़ें, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, उम्मीद करते हैं कि किस तरह की परेशानी है तो बोलो फटाफट, कमेंट करो, कमेंट करने से थोड़ा सा आपकी हौसला बढ़ती है। तो देखो, तो यहाँ से एन एच की वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 2। एन एच की वैल्यू 2। अब देखो, थोड़ा सा और सोचो, एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स तो है आपके पास ई के पावर एक्स, तो यहाँ से फंक्शन ऑफ ए रखोगे तो क्या होगा, ई के पावर ए, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच रखोगे तो क्या होगा, ई के पावर ए प्लस एच, फंक्शन ऑफ ए प्लस 2h रखोगे तो क्या होगा, e के पावर a प्लस 2h। इस तरह से सो ऑन चलोगे तो कितना होगा बताओ, तो फंक्शन ऑफ a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच इक्वल टू e के पावर a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये सारे आपके पार्ट जो है पहले लिख लेना है तो लिख लेंगे, नहीं तो इतना ज़रूर लिख लेंगे आप, उसके बाद सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। तो इतना हम यहाँ साइड में लिखें क्योंकि बोर्ड मेरे पास इस तरह के हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे आप लिमिट, क्या लिखेंगे, लिमिट क्या लिखेंगे, एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, यहाँ क्या लिखोगे, एच एच है ना, इंटू फंक्शन ऑफ ए, एक बार लिख देते हैं उसके बाद फिर दोहराएंगे। तो यहाँ से फंक्शन ऑफ क्या होगा, ए प्लस कितना होगा, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, चलेगा ना इस तरह से, सो ऑन चलेगा कहाँ तक, फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच तक। देखिए, तो अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, दिख रहा है ना, पहले बताओ, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इंक हम भर लेते हैं आपके सहूलियत के लिए, क्योंकि डार्क दिखेगा तभी दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपकी कमेंट को हम नहीं पढ़ते आजकल, ठीक है, कमेंट इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको हम थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो आप आराम से देख लीजिए वीडियो को, कोई भी किसी प्रकार का है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम बाद में वीडियो के अंत में देख लेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक कोई परेशानी अभी तक तो नहीं हुआ होगा क्योंकि अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है इस तरह से। चलो, तो अब यहाँ पर लिखें हम, तो क्या लिखें, h फंक्शन ऑफ a, तो देखो फंक्शन ऑफ a क्या होता है, यहाँ से e के पावर a प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस h क्या होगा, e के पावर a प्लस h, फिर क्या होगा, a प्लस 2h प्लस डॉट 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 फंक्शन e के पावर a प्लस एन माइनस वन एच, यही होगा। चलो, तो इतना तो आप लिख ही सकते हो, इतना लिखने में तो किसी को कोई हर्ज नहीं है, कि हर्ज है नहीं ना,
चलो यहाँ तक आगे बढ़ें। हाँ आगे बढ़ते हैं, फिर से देखना। अब क्या करोगे, अब थोड़ा सा अपने हिसाब से कुछ करो तो कर सकते हो। देखो क्या कर सकते हो, एक्स नहीं ए ही होगा। देखो यहाँ से थोड़ा समझने के लिए आपके लिए हम लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो एच तो एच, देखो थोड़ा सोचो, ई के पावर ए प्लस एच है तो इसको ना लिख सकते हो ई के पावर ए इंटू ई के पावर एच, ई के पावर ए प्लस टू एच है, टू एच है तो ई क्या होगा, ई के पावर ए इंटू ई के पावर टू एच, इससे हो सकता है कि नहीं। तो अब देखो तो यहाँ से ई के पावर ए है तो मैं ई के पावर ए लिखा इसको, प्लस ई के पावर ए तो ई के पावर ए, ई के पावर एच हो गए यहाँ, प्लस ई के पावर ए इंटू ई के पावर टू एच, प्लस सो ऑन, कितना ई के पावर ए तो ई के पावर ए इंटू ई के पावर एन माइनस वन एच, ए ना। देखो आराम आराम से हम बढ़ रहे हैं इससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ से क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ई के पावर ए कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से एच अभी रहने देते हैं, ई के पावर ए को भी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा, वन प्लस कितना होगा ई के पावर एच, प्लस कितना होगा ई के पावर टू एच, प्लस कितना होगा डॉट डॉट डॉट, प्लस ई के पावर एन माइनस वन इंटू एच, ए ना। देखो यहाँ तक भी अगर किसी को कोई परेशानी है तो आप बोल सकते हो, लेकिन हमको समझ से यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे बेसिक बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ें हम, बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ूँगा, और दिक्कत है तो पहले इसको मैं ही समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। चलो तो अभी तक जो भी हम किए हैं सही किए हैं, और आपके अनुसार तो और भी सही हुआ होगा, क्योंकि ये सारे फार्मूला थोड़ा सा अगर होशियार हो तो बचपन से जानते होगे, और नहीं होशियार हो तब तो फिर मुश्किल है। क्या कि वन प्लस ई के पावर एच, ई के पावर टू एच, ई के पावर एन माइनस एच, है ना। तो क्या करें अब, बोलो तुम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन कुछ, तो ऑप्शन तो एन पद तक का है, तो एन पद तक का इस तरह से कभी देखा होगा फार्मूला तो याद होगा, और नहीं देखा होगा तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, उसको समझोगे। देखो क्या इस तरह से जब एक्सपोनेंशियल में आते हैं, क्या आते हैं एक्सपोनेंशियल में फंक्शन आते हैं, तो यहाँ से लिखा जा सकता है इसको क्या, जो देखो ये h है तो h अंदर कर दोगे, क्या कर दोगे h अंदर, या बाहर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बाहर रहेगा तो क्या होगा, जो देखो यहाँ से लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ये एच ई के पावर ए, तो ये एक फार्मूला होता है, इस तरह से जब रहता है ना तो एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला का क्या होता है, तो देखो यहाँ हो जाएगा ई के पावर एन एच माइनस वन, क्या होगा ई के पावर एन एच माइनस वन, तो ई के पावर एन एच माइनस वन होगा। अब कहोगे सर हुआ तो कैसे हुआ, ये भी तो थोड़ा सा देखें हम लोग। हाँ तो देखो ये एक सीरियली चलता है ई के पावर एच, ई के पावर टू एच, ई के पावर एन एच, तो देखो एक टर्म ये है तो ई ई के पावर एन माइनस वन तक था ना, तो इसीलिए ऐसा टर्म लिखे हैं, और कोई बात नहीं। नहीं समझ में आया, आया या नहीं, आया होगा ऐसी बात नहीं कि नहीं आया होगा आपको। देखो अभी हो गया, अब इतने के बाद क्या करोगे, तो इतने के बाद एक फार्मूला इतने तक नहीं सीमित होता है, ये n माइनस वन है तो इसी को लिखा जाता है e के पावर h माइनस वन, ऐसे लिखा जाता है ठीक है, e के पावर h माइनस वन। तो अब देखो e के पावर h माइनस वन को फार्मूला के रूप में जब डिवाइड करोगे तो इस तरह से कुछ होता है, ये आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो। तो देखो अब हम लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन, कुछ कुछ बातें अगर रह जाए तो थोड़ा सा हड़बड़ाएंगे नहीं, क्यों नहीं हड़बड़ाएंगे, क्योंकि e के पावर h माइनस वन का फॉर्मूला होता है इस तरह से, h इंटू ई के पावर a इंटू ई के पावर एन एच माइनस वन, और इसकी जो फार्मूला होता है थोड़ा गजब फार्मूला होता है, इसलिए इसको रटना है एक तरह समझौता, कि वन प्लस क्या, वन प्लस h जो है ना, तो यहाँ h होगा बचा वन फैक्टोरियल होगा, प्लस एच बटा टू फैक्टोरियल होगा,
प्लस एच बटा 3 फैक्टोरियल होगा, इस तरह से सो ऑन चलते रहता है। तो देखो ये फैक्टोरियल के रूप में चलता है, लेकिन हाँ ये नीचे 1 2 चलता है तो ये स्क्वायर में चलता है, एच स्क्वायर एच क्यू इस तरह से चलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक तरह से कहो तो रटना पड़ रहा है आपको, इसलिए रटना पड़ रहा है कि ये आप अगर इसकी बेसिक बातें यानी एक तरह से एक्सपोनेंशियल का स्पेशल केस है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो देखिए अब यहाँ से क्या होगा, तो अब यहाँ से एक ऑप्शन क्या लिया जाए बता तो ही, तो कुछ तो नहीं, लेकिन अगर h कॉमन ले ले तो क्या होगा बताओ, क्योंकि इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी मैंने इस तरह से चलते रह रहा है, तो h कॉमन ले लो, तो h h h सब में है कि नहीं, h h h सब में है, तो h कॉमन ले सकते हो, तो h कॉमन लोगे तो क्या होगा बताओ, आप ही बताओ, h कॉमन लोगे तो क्या होगा। देखो h कॉमन लेने का मतलब है इस तरह से लिमिट h टेंस टू जीरो, तो h इंटू ई के पावर a इंटू ई के पावर एन एच माइनस वन बटा h अगर कॉमन होता है तो वन, ध्यान देना, h अगर कॉमन होता है तो वन प्लस एच टू वाई इस तरह से चलेगा। तो देखो ये ओवन रह जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ से h h कॉमन लिए हैं यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, वन फैक्टोरियल, तो क्या होगा यहाँ से वन प्लस कितना h है ना, तो वन प्लस एच, तो एच बटा कितना हो जाएगा, टू फैक्टोरियल, फिर क्या होगा एच बटा एच स्क्वायर बटा थ्री फैक्टोरियल, इस तरह से सो ऑन चलेगा। अब देखो अब यहाँ से ये एच एच तो कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास ध्यान दो, अब कहोगे सर एन एच क्यों लाए, एन क्यों लाए, तो हमने एन इसलिए लाया कि एन एच की वैल्यू हमारे पास पता है, कितना पता है एन एच की वैल्यू, कितना पता है, एक तरह से टू पता है, या टू रख सकते भी हम लोग डायरेक्ट, तो एन एच की वैल्यू वहाँ पर टू रख दोगे, क्या रखोगे टू, और नीचे की जो वैल्यू है एच टेंस टू जीरो और ई के पावर ए है, तो ई के पावर ए है तो ए की वैल्यू माइनस वन होगा, तो यहाँ से क्या होगा ई के पावर माइनस वन और ई क्या होगा ई के पावर टू और माइनस कितना होगा वन, ये बटा कितना हो जाएगा, तो बटा वन हो जाएगा और प्लस में सब में जीरो बट्टा टू फैक्टोरियल जीरो बट्टा थ्री फैक्टोरियल, तो ये सब जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा e के पावर माइनस वन इंटू ई स्क्वायर माइनस वन वटा वन, आगे बोलोगे तो कितना ई स्क्वायर माइनस वन आई आएगा तो कितना e, तो कितना होगा e डिवाइड होगा तो e माइनस कितना वन बट्टा e, यही आपके पास आंसर होगा। थोड़ा सा टफ लगेंगे यहाँ पर, लेकिन ये क्वेश्चन को कहीं भी बुक में देखोगे ना तो वहाँ पर थोड़ा सा क्लियर आपको हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा बुक की मदद देख लोगे इस फॉर्मूले के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा आपको वहाँ पर सहूलियत हो जाएगा। ऐसे लगभग सारे बुक में इस तरह का फार्मूला दिए हो रहते हैं, तो इसलिए आप परेशान नहीं होना है, नहीं तो फिर हम अब यहाँ फार्मूला टोटल लिखाएंगे तो आपके पास फिर समय भी नहीं है और कोई फ़ायदा भी नहीं, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते भी नहीं, एक दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और यहाँ पर है, उसको हम भी आपको चाहें कि क्लियर कर दें। तो देखो वो भी क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा जो कि सेम है, तो देखो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, टाइम थोड़ा सा मेरे पास कमी है। देखो तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास x प्लस ई के पावर 2x, x प्लस तो ई क्या लिमिट कितना है, लिमिट है 0 से लेके 4 तक, तो देखो इसको अलग अलग करोगे तो एक तो ये होगा x 0 से लेके 4 तक प्लस कितना होगा e के पावर 2x 0 से लेके 4 तक, ए ना, तो देखो x वाला भी निकाले, e के पावर अभी कितना है 2x है, तो जहाँ जहाँ यहाँ पर h था ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये इस तरह से, मैंने अभी जहाँ a रखोगे फंक्शन ऑफ e के पावर 2h होगा, तो इस तरह से यहाँ पर जो a कॉमन लोगे तो यहाँ पर 2a कॉमन ले लोगे 2h। अब कहोगे सर जी अब आपने a तो इस तरह से 2a कॉमन लोगे तो यहाँ पर h h तो 2h की वैल्यू रहेगा ना, तो h प्लस 2h h इस तरह से क्या होगा h बचेगा, यहाँ इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो उस केस में लास्ट में आपके पास पोजीशन जो आएगा हमारे समझ से, देखो यानी पहले क्या लिखा जाता है इस तरह से ना एफ जीरो एफ ए ए प्लस इस तरह से चलोगे, तो उस केस में आपके पास कुछ करना नहीं, उसमें आपको कैलकुलेट करके, जैसे कि देखो टाइम नहीं है लेकिन इसलिए थोड़ा सा बता दे भी, नहीं तो फिर आप लोगों को पता नहीं चलेगा। देखो क्या इस क्वेश्चन को तो कर लोगे मुझे पता है,
इस क्वेश्चन की बात रहेगी तो इस क्वेश्चन की बात रहेगी तो इस क्वेश्चन को जब कर लोगे तो इसको लिए टेंशन कम रहेगा आपके पास। लेकिन हाँ, अब चाहो तो साथ साथ भी कर सकते हो, ये दोनों को साथ साथ भी कर सकते हो, अलग अलग नहीं भी कर सकते हो। तो देखो, साथ साथ करोगे तो क्या करोगे, एक बार ए पुट करोगे तो यहाँ क्या होगा, ए प्लस कितना होगा, ई प्लस टू ए होगा कि नहीं, बोलो 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 फटाफट बोलो। ई के या ऐसे कहो, ए की वैल्यू जीरो पुट करोगे डायरेक्ट, जीरो पुट करोगे तो यहाँ से क्या होगा बोलो, एक्स की जगह कितना, नहीं समझे देख लो फिर से समझाएंगे, इसको क्या करोगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच कितना होगा, फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस एच फंक्शन ऑफ डॉट डॉट फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस एच एन माइनस वन इंटू एच, ये ना। अब देखो a की वैल्यू कितना है, जीरो है, a की वैल्यू कितना है जीरो, तो यहाँ से क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, तो h तो h a की जगह कितना होगा जीरो, तो यहाँ जीरो प्लस h होगा फिर, तो a की जगह जीरो, तो जहाँ जहाँ जैसे थोड़ा सा और समझे हम, अगर f a लिखोगे यहाँ तो यहाँ क्या होगा, a प्लस e के पावर टू a, अगर यहाँ से हम a प्लस h लिखेंगे तो क्या होगा, तो a प्लस h लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे a प्लस h प्लस ई के पावर टू इंटू ए के पावर एच, इस तरह से लिखोगे। अब आगे बढ़ोगे तो फंक्शन ऑफ ए प्लस अगर टू एच लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए प्लस टू एच इन प्लस ई के पावर टू इंटू ए प्लस टू एच, ऐसे करके लिखो, तो इस तरह से करके लिखोगे तो देखो क्या होगा, ये आपका ए तो ए की वैल्यू भी पता है जीरो, तो ये जीरो तो ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास जीरो प्लस ई के पावर जीरो, अगर यहाँ देखोगे तो क्या होगा जीरो प्लस एच तो क्या होगा एच प्लस ई कितना होगा जीरो, तो ई के पावर कितना होगा टू एच। और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे एकदम आराम आराम से समझा रहे हैं, तो देखो क्या होगा, यहाँ से ए की वैल्यू जीरो और ई टू एच, तो क्या होगा देखो ए प्लस टू एच होगा ना, तो ए प्लस टू एच ध्यान देना समझने के लिए, तो ए प्लस टू एच तो ए प्लस टू एच समझ लो नहीं तो फिर गलती हो जाएगा, ए प्लस टू एच तो क्या होगा जीरो प्लस कितना होगा टू एच प्लस कितना होगा ई के पावर कितना होगा बोलो e के पावर 2 इंटू जीरो प्लस टू एच, ऐसे ना चलेगा। तो देखो मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ इसको, क्या लिखोगे 0 प्लस e के पावर 0 प्लस कितना h प्लस e के पावर 2h प्लस 2h प्लस e के पावर 2 इंटू टू एच, तो आगे बढ़ेगा तो क्या होगा e के पावर यहाँ क्या होगा 3h प्लस e के पावर 2 इंटू थ्री एच, ऐसे ना चलेगा सो ऑन। चलो थोड़ा सा समझ में आए या ना आया क्लियर करने का प्रयास अपने जानते करेंगे। देखो ये सब मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने लिखा था। देखो टाइम की कमी है मुझे पता है, लेकिन आप परेशान नहीं होंगे। देखो आप क्या लिमिट h टेंस टू जीरो h, देखो ये तो जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो देखो इसको आगे करके लिखोगे स्पष्ट रूप से तो क्या लिखोगे बताओ, ये आपके पास वन है, ये एच है, एच है इस तरह से, तो यहाँ से क्या हो गया ई कोई भी संख्या का पावर जीरो तो वन, तो एच प्लस ई के पावर टू एच प्लस टू एच प्लस ई के पावर फोर एच प्लस थ्री एच प्लस ई के पावर सिक्स एच, यही ना है सो ऑन चलेगा। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ो तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच कितना होगा यहाँ से बोलो, तो यहाँ से यो वन तो है, यो वन है ना, इसको वन को छोड़ दो, एच एच वाला कर लो, तो एच कॉमन लोगे तो क्या होगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सो वन। अब देखो प्लस वन फिर कितना ई के पावर टू एच कितना है ई के पावर टू एच, देखो यहाँ से ई के पावर टू एच है, ई के पावर इस तरह से चलेगा तो क्या करोगे आप ही खुद सोच के देखो, तो ई के पावर टू एच है, ई के पावर फोर एच है, तो कुछ कॉमन होगा क्या, कॉमन होगा तो उसको कॉमन ले लेना, नहीं कॉमन होगा तो बातें अलग है, तो इसको कॉमन लोगे तो क्या होगा देखो वन प्लस ई के पावर टू एच प्लस ई के पावर फोर एच प्लस ई के पावर सिक्स एच प्लस वन, इस तरह से। अब देखो अब ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, तो ये तो सबको पता है इसकी वैल्यू है, तो देखो इसकी यहाँ पर लिखे थे उस तरह से ही फार्मूला यहाँ पर लिखाएगा, क्या लिखाएगा तो इसकी कैलकुलेट करके लिखोगे तो लिखोगे e के पावर 2 एन एच माइनस वन बटा e के पावर 2 एच माइनस वन, यही कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक कैलकुलेट
कर लेना और उसके बाद आगे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, इससे कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताओगे, हम नेक्स्ट क्लास में फिर से चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन। थैंक यू।